हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी बाबू परदेसी में। और मैं हूँ आपका दोस्त मनोज। तो आज का ब्लॉग होने वाला है खास, क्योंकि मैं पहला ब्लॉग बनाऊंगा पहाड़ी खान पान को लेकर। इससे पहले मैंने काफ़ी आपको दिखाया है कि पहाड़ी जो व्यूज़ हैं वो दिखाए हैं, और काफ़ी बारिश के जो व्यूज़ हैं वो भी दिखाए हैं। तो आज ये पहला ऐसा ब्लॉग रहने वाला है जिसमें मैं दिखाऊँगा कि पहाड़ी खान पान, और आज मैं बनाऊँगा जो भटके डुबके होते हैं, सबसे पॉपुलर फूड उत्तराखंड का, फेमस लोकल फूड जिसे कहते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और हम हैं निवासी उत्तराखंड के, एक छोटा सा ज़िला पड़ता है अल्मोड़ा, वहाँ में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धनकल गांव, वहाँ के हम निवासी हैं। सुंदर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये गांव है। तो देखते हैं आपको ये कितना पसंद आता है ये व्लॉग। जो ये भटकी दाल होती है ये हमारे ही खेतों में होती है, और इसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें हम वही खाद डालते हैं जो गाय का गोबर होता है, नेचुरल खाद, वही खाद डाली जाती है। और जो ये भटकी दाल होती है, इन भट्टों में प्रचुर मात्रा में जो है कैल्शियम और प्रोटीन और ऐसे चीज़ें जो शरीर के लिए आवश्यक होती हैं वो सब पाई जाती हैं। और लोहे की कढ़ाई में बनने की वजह से इसमें जो आयरन होता है उसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से ये सेहत के लिए भी जो है बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और सेहत के साथ साथ जो स्वाद होता है वो काफ़ी लजीज होता है। तो पूरी रेसिपी आपको इसमें बताई जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं भटके डुबके बनाना, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा आपको भी कि हमने कैसे बनाए, और आप भी वैसी बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज बनेंगे भटके डुबके। आपको जो ये भट दिख रहे हैं सारे नेचुरल हमारे ही खेतों में होते हैं, और जो चावल है उनका यूज इसमें किया जाता है। इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़े से सिलबट्टे में हम पीसेंगे, फिर भिगाएंगे, उसके बाद इसे पीसा जाएगा और फिर तैयार हो जाएंगे लजीज भटके डुबके। ये है सिलबट्टा, इसमें हम इसे डालेंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे ताकि ये आसानी से पीसने के लिए आसानी हो जाए हमें। तो अभी हमने कर लिए हैं ये देखिए पतले, इनको डालते हैं इसमें, फिर पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा भीग जाएंगे। तो डालते हैं इसमें गर्म पानी ताकि आसानी से ये भीग जाए। तो अब ये हो गए हैं पीसने के लिए तैयार, क्योंकि पूरी तरह भीग चुके हैं गर्म पानी में, तो इन्हें पीसते हैं फटाफट। ये बारी आती है इनको बारीक करने की, ये होते हैं ऐसे बारीक, इसको फटाफट हम रखेंगे सिलबट्टे में, कम कम करके ही रखते हैं ताकि आसानी रहे पीसने के लिए। थोड़ा पानी भी चाहिए होगा, तो अब इन्हें कर लेते हैं हम पतला। इसमें चावल भी मिक्स हैं जैसे बताया था शुरुआत में, बस थोड़ा सा टाइम के बाद हमारे जो भट हैं पीस के हो जाएंगे तैयार। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि सारा हाथों से ही करना होता है, मिक्सी भी है पर जो मज़ा इसका है वो मिक्सी में नहीं आता खाने में। चलिए, हमने कर लिया है ये रेडी पीस के भट को, बना लिया है इसका बिल्कुल महीम सा घोट। इसके बाद हम इसको डालेंगे चूल्हे में और बनेगा स्वादिष्ट सबसे फेमस पहाड़ी भोजन। बहुत मेहनत लगती है इसको पीसने में। तो अब जल चुकी हमारी आग, इसका टेस्ट तब ज़्यादा आता है जब इसे चूल्हे में बनाया जाता है। देखो कितनी बड़ी कढ़ाई में इसे बनाया जाता है,
गैस में भी बनते हैं, पर वो मज़ा नहीं है जो चूल्हे का है। पहाड़ी स्टाइल में अगर आपको बनाना है तो आपको चूल्हे में जला कर ऐसी कढ़ाई में रख कर इसे बहुत देर तक उबालना होगा, तब कुछ मज़ा आएगा। थोड़ा सा तेल और इसमें डलता है लहसुन, और आप जिस चीज़ का तड़का डालना चाहते हैं, हम अजवाइन का डाल रहे हैं। एक से डेढ़ घंटा पकाने के बाद अब इन्होंने अपना जो नेचुरल कलर है वो हमें दे दिया है। भटके डुबको का असली स्वाद खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है, तो दिखाते हैं आपको परोसने के बाद कैसे दिखते हैं। लग गई है हमारी थाली, जिसमें है भात, डुबके, टपकिया और बगल में है रायता। तो फटाफट हम इसे खाते हैं और बताते हैं कैसा था। तो अब करते हैं खाना शुरू। हमारे पास है डब्बू का भात, टपकिया और रायता, और इधर है लस्सी। तो सब कुछ पियेंगे, सब कुछ खाएंगे और बताएंगे कैसा था। कैसा तो क्या, अच्छा ही होगा। खाना खाने के बाद हम बैठ चुके हैं। तो ये था पहाड़ी खाने को लेकर एक वीडियो। आशा करते हैं आपको जो हमने दिखाया वो पसंद आया होगा, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।